राम राम, जय श्री राम। आइए बाबा सादगी के संग। ये हरियाली, चार तरफ हरियाली, इस तरफ भी हरियाली है और उस तरफ भी हरियाली है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। सुनसान इलाका है, इसलिए गलत कार्य करने वाले लोग इस सुनसान इलाके का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, आप देख रहे हैं ये पुरानी केबलें हैं, और अपना काम निकालने के बाद इन्हें जो है यहाँ पे लाके फेंक दिया गया। ये कोई कचरा घर नहीं है कि इसे यहाँ फेंका जाए। सुबह यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, ताजी हवा लेने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की मानसिकता है लोगों की। ये टूटी हुई चरपाई, गद्दा, शायद किसी का कोई प्रियवर भगवान को प्यारा हो गया तो उसने ये सामान यहाँ ला के फेंक दिया। आप देखते रहिए, ये 2 किलोमीटर का इलाका है जिसमें मैं अभी पैदल चल रहा हूँ, तो आपको मैं पूरा 2 किलोमीटर का तो रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, किंतु आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से देश को, शहर को गंदा किया जा रहा है। वजह एक ही है कि यहाँ पे ये जंगल टाइप है, सुनसान एरिया है। क्या ये लोग इस कचरे को लेके 10-15 मिनट खर्च करके कचरा घर में नहीं जा सकते हैं? क्यों यहाँ गंदगी फैला रहे हैं? आप देख सकते हैं बहुत गंदगी है यहाँ पे, प्लास्टिक है, रबर है, कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, डिस्पोजल। सब आप देख रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि सादगी क्यों कचरे के पीछे पड़ गया है। ये कचरा जब गर्मी, बरसात, मौसम अपना असर दिखाएगा तो ये कचरा गलेगा, सड़ेगा। उस समय इसमें से कई प्रकार की गैसें बाहर निकलेंगी जो पर्यावरण को दूषित करेंगी और मनुष्यों के स्वास्थ्य से खेलेंगी। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। जैसे हमने कोरोना को हल्के में लिया तो उसने अपना कहर बरपा दिया, लापरवाही। इसे मैं काउंट करता हूँ लापरवाही में। हम खाना खाते हैं, साफ बर्तन में खाते हैं, घर में रहते हैं, साफ जगह में रहते हैं, तो फिर बाहर गंदगी क्यों करते हैं? देखते रहिए आप, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक है, पूरा कचरा भरा हुआ है इस एरिया में। तो जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए हैं। कृपया जितना कम डिस्पोजल प्लास्टिक आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही कम कचरा शहर में फैलेगा। आज ये कचरा हमें नज़र नहीं आ रहा है या हम इसे किसी भी वजह से नज़रअंदाज कर रहे हैं, किंतु आने वाले वक्त में ये भी महामारी पैदा कर सकता है, ये भी हमारे लिए सिरदर्द पैदा कर सकता है। इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आपको किसी बड़े डंपिंग ग्राउंड पर ले जाऊंगा ताकि आप मेरी बात को पूरी तरह समझ सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।